हेलो फ्रेंड्स, कोविड के दूसरे दौर से जहां हम बाहर आ रहे हैं, वहां पहले दौर में हम सब ने कोविड को सीरियसली नहीं लिया था। दूसरी लहर ने हमारे परिवार, रिश्तेदार, गली मोहल्ले को बुरी तरीके से हिला दिया है। अप्रैल और मई के महीने में तो हालत ऐसी हो गई थी कि फ़ोन हो, व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो, हर जगह से किसी न किसी के अपने की इस दुनिया से चले जाने की न्यूज़ मिलती ही रहती थी। जब भी फ़ोन की घंटी बजती थी, मन के अंदर से डर लग जाता था कि कहीं किसी फ्रेंड या रिलेटिव के घर से कोई बैड न्यूज़ तो नहीं है। आज फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है और हम इसकी इतनी अनदेखी करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही इंडिया में पैंडेमिक बढ़ा, मैंने अपने ज़्यादातर कस्टमर्स को ऑनलाइन तरीके से गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे से प्रीमियम जमा करना सिखाया। सबको जोर देकर कहा कि वो अपना प्रीमियम खुद ही घर बैठे भरें। हम ज़्यादातर रेन्यूअल शाम को एक LIC पॉइंट में जमा कराते हैं। वहाँ पे एक मिस्टर कुमार बैठते हैं। मिस्टर कुमार हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मिस्टर कुमार के दो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मिस्टर कुमार की उम्र 40 से 45 साल है। उनकी बड़ी बेटी का नाम शुभी है और उनका जो छोटा बेटा है उसका नाम यश है। यश 5th क्लास में पढ़ता है। यश मुझे अक्सर अपने पापा के साथ दुकान में बैठा हुआ मिलता है। मिस्टर कुमार प्रीमियम पॉइंट के अलावा आधार से पैसे निकलवाने और फोटोकॉपी का भी काम करते थे। उनके बेटे यश को फोटोकॉपी निकालना बहुत अच्छे से आ गया था। 28 मार्च 2021 को जब हम रिन्यूअल जमा करने ऑफिस गए तो दोनों बाप बेटे बैठे हुए थे। दोनों से हमारी मुलाकात हुई। मैंने यश को फोटोकॉपी के बदले पैसों के साथ साथ चॉकलेट भी दी और चॉकलेट मिलते यश बहुत खुश हो गया था। और इधर 2 महीने से पैंडेमिक के चलते हम किसी से मिल नहीं पाए, क्योंकि 1 मंथ से मैं खुद ही कोरोना की पेशेंट रही थी। 2 जुलाई को जब मैं अपने कुछ क्लाइंट के पेंडिंग रेन्यूअल जमा कराने गई तो वो दोनों बच्चे शॉप पर बैठे हुए थे और रेन्यूअल निकाल रहे थे, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो मैंने कह दिया, बेटा शुभी तुम रहने दो, तुम्हें बहुत टाइम लग रहा है, पापा कितनी देर में आएंगे, मैं तब आकर रेन्यूअल जमा करा लूँगी। शुभी की आंखों में जैसे आंसू आ गए। वो अपने आंसू छुपाते हुए बोली, अंकल मैं अभी कर देती हूँ, पापा अब कभी नहीं आएंगे। सुभी ने बताया कि 19 अप्रैल को उसके पापा कोविड से ख़त्म हो गए थे। ये सुनकर तो हम जैसे चौंक गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मिस्टर कुमार तो इतने यंग और हेल्दी थे। पर सच्चाई यही है, दोनों बच्चे शॉप पर बैठकर अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। 12 और 15 साल के बच्चे जिनकी खेलने की, पढ़ने की उम्र है, उन पर इतना बोझ आ गया था। मिस्टर कुमार जो खुद प्रीमियम कलेक्शन का काम करते थे, अपना खुद का प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं कराया था। मिस्टर कुमार का इंश्योरेंस केवल 4 लाख रुपए का ही था। क्या 4 लाख में मिस्टर कुमार का परिवार अपनी पूरी ज़िंदगी बिता लेंगे? क्या मिस्टर कुमार ने जो अपने बच्चों के लिए सपने देखे थे, क्या वो 4 लाख में पूरे हो जाएंगे? जवाब आप अच्छे से जानते हैं। हर इंसान मौत की सच्चाई जानता है कि ये कभी भी हो सकता है, पर खुद ही खुद से झूठ बोलकर समझाता है कि ये तो मेरे परिवार के साथ कभी हो ही नहीं सकता। तो आप सोच क्या रहे हैं इस बारे में? थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।